नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। भारत देश की आत्मा गांव में बसती है, मंगू भाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश। यह बात श्री मंगू भाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश ने राजगढ़ जिले के प्रवास के दौरान गिलाखेड़ी में कही। श्री पटेल ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव की अर्थव्यवस्था खेती किसानी और पशुपालन पर आधारित है। क्षेत्र में 3 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई होने वाली है और इसका लाभ सीधे सीधे ग्रामीणों को मिलेगा। राज्य और केंद्र सरकार गाँव में सुविधा देने के लिए लगातार काम करते हुए योजना बना रही है और जाति जनजाति समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा से लौटते ही कार्य को देखने पहुंच गए। यह एक उदाहरण है। व्यक्ति, परिवार, जनपद सभी का एक स्वरूप होता है और भारत देश की आत्मा गांव में बसती है। स्वतंत्र भारत का फल ग्रामीणों को मिलना चाहिए। आप स्वयं योजना का लाभ लें और अन्य लोगों को भी योजना का लाभ दिलाएं। बता दें कि राज्यपाल ने कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान मंच के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इसके बाद राज्यपाल ने गिलाखेड़ी के अनुसूचित जाति के जयराम अहिरवार के परिवार के साथ भोजन किया है और भोजन करने के बाद जयराम के परिवारजनों ने फलों की टोकरी भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान गिलाखेड़ी की आंगनवाड़ी क्रमांक 1 और 3 का अवलोकन करते आंगनवाड़ी के कार्यों को सराहा है। साथ ही पोषण आहार की प्रदर्शनी को देखने के बाद आंगनवाड़ी परिसर में पौधारोपण किया है। लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के आगमन से पूरा राजगढ़ जिला गौरवान्वित है और राजगढ़ जिले में चल रही योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और राजगढ़ जिले का शासन प्रशासन मौजूद रहा। लाइव टीवी समाचार के लिए राधेश्याम चौरसिया की रिपोर्ट। उनका अभी अपने भाषण सुना, कितनी सक्रियता है उसमें से मालूम पड़ जाती है। ऐसे सांसद रोडमल नागर जी, यहाँ के विधायक श्री कुंवर कोठार जी, सभी अधिकारी गण, आप सब उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, प्रिंट मीडिया के मित्रों, अभी जो मैंने सुना सांसद जी के ओर से, ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने छप्पर फाड़ के दे दिया है सबका आपको। और आखिर में सांसद बोलते थे कि आपकी ओर से भी मिला है, वहां से केंद्र से आपको इतना सब मिला हुआ है, वो अभी वे चालू रहेगा, जो देते हुए हैं और देते रहेंगे। और आप सब को बहुत बहुत गर्वान्वित आपका होता होगा कि अपने जिले में केंद्र और राज्य सरकार से कितनी सुविधा मिली है। कई योजना के अभी लाभान्वित सभी बहने बच्चे, उनको भी लाभान्वित किया है उसकी, ऐसे मालूम पड़ता है कि सरकार का कितना काम यहाँ चल रहा है। ऐसे तो मैं जैसा गांव में आया, वहां से ही आते आते आनंद होता रहा था कि देखो गांव के लोग को मिलना एक अनुभव है। ऐसे
अपवाद तो होते हैं, आपको समझ में ज्यादा आता होगा, आप स्थानीय थे, मगर व्यक्ति हो चाहे परिवार अथवा जनपद या देश, सबका एक स्वभाव स्वरूप होता है, यही उसकी आत्मा होती है। भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है ऐसा कहा जा रहा है, और वो सही बात है। गांव का जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था खेती किसानी और पशुपालन पर आधारित है, यह मेरे को बताया गया। 3 लाख हेक्टर नई सिंचाई होने वाली है, 3 लाख हेक्टर यानी 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ जितना आता है, और नया सिंचाई का इतनी और सिंचाई का भाग मिलेगा, और सिंचाई हो तो उसके साथ पशुपालन भी सीधा आ जाता है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।